देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं सपना बिष्ट और आप देख रहे हैं कोविड बुलेटिन न्यूज। चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सब खबर से। खबर महुआ खेड़ा से है। हाथरस में हुए मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदगी करने को लेकर आज महुआ खेड़ा की सरजमीन पर मैन चौराहे पर हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्याकांड मामले में मनीषा वाल्मीकि को कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी गयी। साथ ही सरकार से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांगों की। बढ़ते अपराध पर भाजपा सरकार को दोषी मानते हुए नारेबाजी की और सरकार से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने और कार्यवाही की मांगों की। इस दौरान मौजूद चेयरमैनपति अब्दुल हसन जगतार से भाजपा, हरपाल सभासद महुआ खेड़ा, पूर्व सभासद विजेंदर, इशाक अहमद, बाबू टाइगर, सईम अरमान, छोटू भाई आदि लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं महुआ खेड़ा गंज से रियाज चांद की रिपोर्ट। ऐसे ही छोटी बड़ी सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। जिस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है और ऐसी सरकार के शासनकाल में किया है, जो बड़ा दम भरती है, सुरक्षा के नाम पर, रक्षा के नाम पर कहना चाहता हूँ कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपने कहा था कि जितने भी अपराधी हैं वो या तो प्रदेश छोड़ जाएं या फिर जेलों में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो वास्तव में वो अपराधी या तो प्रदेश छोड़ गए होंगे या फिर जेल में होंगे। ये जो बचे थे ये आपके अपने ही होंगे, वही बचे होंगे, और उनके माध्यम से ये ऐसा अत्याचार एक हमारी बहन मनीषा पर हुआ है। न्याय मिलना चाहिए, इस सरकार के इस्तीफा देना चाहिए। अभी अभी कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जो किसानों ने ट्रैक्टर चलाया था तो उसको बड़ा दम भर के कह रहे थे कि जिस ट्रैक्टर की पूजा किसान करते हैं उसको चलाना पाप है। तो मैं प्रधानमंत्री और इस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं उनके साथ उनकी जीत काट लेना, उनके साथ बलात्कार करना और उनकी हत्या कर देना। अरे भाई, यही तो मीडिया में जाके भैया मैं बात करता हूँ। मेरे सामने मौजूद है महुआ खेड़ा चेयरमैन पति जी। अरे इधर बोलो, ये बताइए जो हाथरस में ये घटना हुई है, तो वीडियो जाएगी, उन्होंने घटना करी है, ये इसके बारे में आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। हमारी बीजेपी की सरकार जिसका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झूठा नारा दे रहे हैं। और आज तक इससे पहले भी कई ऐसी शर्मसार घटनाएं हो चुकी हैं। तो मेरा यही कहना है योगी जी से, मोदी जी से, कि इनके जो मुलजिम हैं उनको जल्दी से जल्द फांसी दी जाए और उस गरीब जो मासूम बच्ची के साथ ये हुआ है उसको उसके साथ न्याय। मीडिया महुआ खेड़ा गंज काशीपुर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और हमारे सामने कांग्रेसी काफ़ी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी और सारी और हमारे हमारे ये जो रिजवान भाई हैं यहाँ पर महुआ खेड़ा के, ये कांग्रेसी युवा नेता हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो रेप हुआ है लड़की का? मनीषा का हमारे नेता जगतार सिंह बाजवा जी और नगर पालिका चेयरमैन हाजी अब्दुल हसन जी ने जो कहा, देखिए एक तरफ ये स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हम बेटियों को बढ़ावा देंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है जिस प्रदेश में इनकी सरकारें हैं उस प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या यही इनका इंसाफ? तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज उस मनीषा के साथ नहीं हुआ, उस हर वो भारत की बेटी के साथ हुआ है। ये गलत तरीके से उस बेटी के साथ किया गया है, तो हम यही चाहते हैं। मैं तो इसलिए हाथ दे रखा हूँ कि पूरी से पिघला के ये इंसाफ के लिए कहता हूँ कि उन दरिंदों को फांसी दो और जल्दी से जल्द, ना कि उनका केस चलता रहे, इस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, तभी हम करेंगे कि यूपी सरकार इन लड़कियों के बारे में कुछ न्याय सोचे। चलिए चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आप बताइए और जो पुलिस वालों ने किया है उनको भी चाहिए, जो उनके घर वालों को नाश करने के लिए। साथ ही जो दरिंदों ने उस बच्ची के साथ किया है उसकी जीभ काट ली गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसकी कमर तोड़ दी गई, वो कृत्य का अपराध के पात्र है ही है। लेकिन हाथरस की पुलिस ने उस बच्ची के
डेड बॉडी को उसके परिजनों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं दिया और लाकर के हॉस्पिटल से लाकर के सीधे शमशान में ले जाकर के उसके परिवार वालों को नज़रबंद कर दिया और उन्होंने जो है उस लड़की का पुलिस ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और फांसी होनी चाहिए करता हूँ बलात्कारियों को। सरकार से कि उन जो दरिंदे हैं उन्हें तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूँ। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? जो अपराध हुआ है, रेप हुआ है लड़की का, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। इधर देखो, ठीक ही परेशान है। मैं यही कहना चाहता हूँ पर हमारे देश का कानून जो है वो बहुत ही लचीला कानून है। अगर यही कानून अरब देशों का लागू किया जाए तो अगली हमारी बेटी कोई शिकार नहीं होगी।